हेलो एवरीवन, आज है 19 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं तीन ऐसी कंपनियों के बारे में जो एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। ये वो तीन कंपनियां हैं जिनके प्राइस अगर आप देखेंगे तो एक दूसरे के जुड़वा ही लगेंगे। पहली कंपनी है ONGC, दूसरी है इंडियन ऑयल और तीसरी है गेल इंडिया। और तीनों ही कंपनी सरकारी कंपनी है, तीनों ही कंपनी सेफ कंपनी है, डूबने का खतरा नहीं है। वीडियो में हम बातचीत करेंगे तीनों ही कंपनी में सबसे बेहतर कंपनी कौन सी है और किस ऑर्डर में यहाँ पर निवेश आप कर सकते हैं। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बात करते हैं सबसे पहले हम ONGC से, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। 98 रुपीज का शेयर है, पिछले एक महीने में जहां था वहीं पर आ चुका है, लेकिन इस बीच 89 का लो है और 105 रुपए तक का हाई भी है, गिरावट भी आई। एक साल में अगर हम देखेंगे तो पिछले एक साल में 21% की अभी भी गिरावट है, मतलब जो इसका प्री कोविड लेवल था 125, ये अभी भी उससे ऊपर नहीं निकल पाया है। सेम उसी तरीके से अगर हम इंडियन ऑयल की बात करें तो एक महीने में 5% का ग्रोथ है, इसका भी देखिए 86 रुपीज का लो था और 103 रुपए का हाई है, सेम ONGC की तरह ही देखने को मिला है। एक साल में अगर हम यहाँ भी देखें तो 20% की गिरावट है, ये भी अपना जो प्री कोविड लेवल 122 रुपए था वहां तक नहीं पहुंच पाया है। और दोनों का ही जो प्री कोविड लेवल था, एक का 125 है, एक का 122 है, और प्राइस चार्ट भी आप देखेंगे ऑलमोस्ट सेम ही है। गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी आई, और इसका भी वही था, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, फिर से रैली की तरफ चुनाव में बढ़ रहा है। तो प्राइस चार्ट इनका सेम है। गेल इंडिया की भी मैं बात करूं तो हालांकि ये अब थोड़ा सा इन दोनों से अलग निकल रहा है, एक महीने में 11 से 12% का ग्रोथ है, और ये ग्रोथ इसीलिए भी है क्योंकि गेल इंडिया ने बाईबैक की अनाउंसमेंट की है, और इसीलिए जो शेयर टूट रहा था तो वो टूटा नहीं और फिर से रिकवर कर गया। एक साल में अगर हम देखें तो हालांकि ये अपने प्री कोविड लेवल से ऊपर निकल चुका है, तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर आप देखिए 144 रुपीज का इसका प्री कोविड लेवल का इसने हाई बना दिया है, जो कोरोना से पहले अगर हम देखें तो शेयर 130 रुपए का था, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, लेकिन तेजी आ गई और प्री कोविड लेवल से ज्यादा की तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिली है अभी के वक्त में। तो डेफिनेटली गेल इंडिया में अच्छी रैली है, लेकिन 10 साल का अगर चार्ट आप देखें तीनों ही कंपनी का तो 10 साल का चार्ट एक जैसा ही है, 49% की गिरावट है, 309 रुपए का हाई है, गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी, मतलब पैसा नहीं बना है यहाँ पर। वहां यहाँ इस कंपनी में पैसा उन्हीं लोगों का बना है जिन लोगों ने गिरावट आने पर खरीदारी की हो और प्रॉफिट आने पर बेच कर निकल गए हो। ये वो कंपनी नहीं है जिसको आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर पाए, ये वो कंपनी नहीं है जिसको आप प्यार करें, ये वो कंपनी है वहां पर आपको भैया प्रॉफिट हो निकल लो, बैठने की जरूरत नहीं है। सेम उसी तरीके का ग्राफ आपको इंडियन ऑयल में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये भी उसी तरीके की कंपनी है, 25% का ग्रोथ जरूर है, लेकिन आप देखिए 2017 के बाद की गिरावट ही गिरावट है जो अभी तक संभल नहीं रही है। गेल इंडिया का भी अगर मैं आपको 10 साल का ग्राफ दिखाऊं तो इसका भी 10 साल का जो ग्राफ निकल रहा है वो भी इसी तरीके का है, सिर्फ 6% का ही ग्रोथ है, और देखिए रैली आने के बाद गिरावट भी आई है, गिरावट के बाद रैली आई है, फिर गिरावट आई है। तो ये पैटर्न है इन तीनों कंपनियों का, ये पैटर्न है, गिरावट के बाद तेजी आएगी लेकिन तेजी के बाद बड़ी गिरावट भी आने वाली है। लार्ज कैप शेयर है, 1,24,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है ONGC का। वॉल्यूम ट्रेड देखेंगे तो 2.5 करोड़ से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड हमें आज के दिन में देखने को मिला है। दिसंबर क्वार्टर की जो होल्डिंग है उसके अकॉर्डिंग प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है, 60.41% की होल्डिंग, FI के पास 7.67% की होल्डिंग है, हल्की सी होल्डिंग नाम मात्र की FI ने गिराई है, म्यूचुअल फंड के पास 5.93% की होल्डिंग है, थोड़ी सी होल्डिंग जरूर गिरी है, 0.16% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड ने गिराई है, लेकिन उसके सामने इंश्योरेंस कंपनी ने बड़ी खरीदारी की है, 11.76% की होल्डिंग हो चुकी है, जो पहले 11.32% की होल्डिंग थी, अच्छी खासी होल्डिंग इंक्रीज हुई है। और देखिए तीनों ही कंपनी बढ़िया डिविडेंड पेइंग शेयर है, आप देखिए ONGC 100 रुपए के आसपास अवेलेबल है और शेयर 5 रुपए का डिविडेंड पे कर रहा है,
इंडियन ऑयल अगर हम इसकी भी बात करें तो ये भी 100 रुपए के आसपास अवेलेबल है और 4 रुपए 25 पैसे का डिविडेंड पे कर रहा है। गेल इंडिया 140 रुपए के आसपास अवेलेबल है अभी के तौर पर, और ये तकरीबन तकरीबन आपको जो डिविडेंड पे कर रहा है वो 6 रुपए 40 पैसे का डिविडेंड इसने पे किया है। लेकिन 27 जनवरी को इनका बाईबैक भी हमें देखने को मिल रहा है, और बाईबैक का प्राइस जो है वो अच्छा है इसका, उसके बारे में बात। उससे पहले हम ONGC की ही बात करेंगे। तो ONGC में अगर आप देखें टेक्निकल रेटिंग जो है वो अभी भी शानदार है, तेजी के संकेत है, अभी भी शेयर यहाँ से ऊपर जा सकता है। और यहाँ पर आप देखिए अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 87% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 10% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 3% लोग होल्ड करने की नसीहत दे रहे हैं यहाँ पर। और जो टारगेट सुझाए जा रहे हैं वो 124 रुपए के टारगेट है ICICI डायरेक्ट के द्वारा, ICICI सिक्योरिटीज के द्वारा ये टारगेट बताए जा रहे हैं। इनकी क्वार्टरली रिजल्ट्स की डेट जो है वो 11 जनवरी को थी, और हालांकि अदर्स था, अभी तक रिजल्ट्स नहीं आए हैं, रिजल्ट्स की डेट अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्दी रिजल्ट की डेट भी आ जाएगी। रेवेन्यूज भी आप देखिए 1 लाख करोड़ तक के रेवेन्यूज है, और प्रॉफिट पे अगर हम देखें तो 5,000 करोड़ तक के प्रॉफिट अब देखने को मिल रहे हैं, ऑलरेडी अपने प्री कोविड लेवल तक के पहुंच चुका है, लेकिन फिर भी प्री कोविड लेवल तक प्रॉफिट पहुंचा है लेकिन प्राइस अभी भी नहीं पहुंचा है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी जो शेयर अभी 98 पे है वो अपने प्री कोविड लेवल 125 तक निकलना चाहिए। तो मेरा यही आपसे सलाह होगी कि खरीदारी की है तो बने रह सकते हो 125 रुपए के लेवल तक, क्योंकि डेफिनेटली शेयर अपना प्री कोविड लेवल जरूर तोड़ेगा, 125 रुपए से ऊपर जरूर निकलेगा। तो तब तक बने रह सकते हो 125 रुपए तक के निकलने के बाद, अगर 10-12 रुपए और मिल जाते हो उससे ऊपर, उसके बाद आपको यहाँ से बिकवाली करनी है, ये बात भी तय है। यहाँ पर बने नहीं रहना है, फ्रेश बाइंग भी करना चाहो कर सकते हो, 125 रुपए का मुझे लगता है कि लेवल जो है वो लॉन्ग टर्म में अचीव होने चाहिए, तो 125 रुपए के लेवल के साथ आप इसको होल्ड कर सकते हैं। दूसरा शेयर जो है वो है इंडियन ऑयल, इसकी भी मैं बात करूं तो हालांकि यहाँ पर भी सेम सिचुएशन है। आप देखिए प्रमोटर के पास 51.50% की होल्डिंग है, प्रमोटर मतलब सरकार ही है यहाँ पर। FIs और म्यूचुअल फंड ने हल्की सी होल्डिंग बेची है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने बहुत बड़ी होल्डिंग खरीदी है। 8.06% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है, 5.83% की होल्डिंग FIs, 5.42% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड यहाँ पर ओन करती है। और इसका भी अगर आप देखने जाएं तो टेक्निकल रेटिंग अभी इसकी भी शानदार है, यहाँ पर भी तेजी के संकेत है, ये भी और ऊपर तक जा सकता है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 90% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 7% लोग बेचने की बात कर रहे हैं और 3% लोग आपको होल्ड करने की भी नसीहत यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। एक और चीज अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये भी अपने प्री कोविड लेवल तक पहुंच चुका है, प्रॉफिट में इवन उससे ऊपर निकल चुका है। 6,000 करोड़ का प्रॉफिट सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी ने कमाया है, और रेवेन्यू भी अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल तक अभी उतने नहीं पहुंचे, लेकिन डेफिनेटली दिसंबर क्वार्टर में पहुंच जाएंगे। तो इसमें भी मेरी सेम सलाह होगी, मुझे लगता है कि ये भी अपने प्री कोविड लेवल को जीतता हुआ आगे बढ़ सकता है। इसका भी जो प्री कोविड लेवल 122 रुपए है, तो 122 रुपए तक आप यहाँ पर बने रह सकते हो, ठीक है, 122 रुपए तक आप यहाँ पर बने रह सकते हो, उससे ऊपर अगर निकलता है तब डेफिनेटली आपको यहाँ पर बेचने के बारे में सोचना चाहिए। तीसरा है गेल इंडिया, ऑलरेडी अपने प्री कोविड लेवल से तो ऊपर निकल ही चुका है, 140 रुपए का ये शेयर है, लेकिन ऑल टाइम हाई इसका आप देखेंगे तो 200 रुपए से भी कम का है, 10 साल का जो सबसे बड़ा हाई है वो 200 रुपए से भी कम का है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा कॉशस होने की जरूरत है, कौन से लेवल पर बिकवाली करनी है वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। आप देखिए लार्ज कैप शेयर है, 63,000 करोड़ से भी ज्यादा का मार्केट कैप है, NSE में देखिए तो 1,65,00,000 से भी ज्यादा का वॉल्यूम ट्रेड भी देखने को मिल रहा है। प्रमोटर खरीदारी कर रहे हैं, 52.11% की होल्डिंग, और यहाँ पर भी सेम सिनारियो, देखिए तीनों ही कंपनियों का जो अगर मैं आपको प्राइस चार्ट सॉरी शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाऊं तो तीनों ही कंपनियों में एक चीज कॉमन है कि FIs और म्यूचुअल फंड ने हल्की हल्की बिकवाली की है। आप यहाँ पर भी देख लीजिए IOC में, और यहाँ गेल पर भी आप देख लीजिए FIs और म्यूचुअल फंड ने बिकवाली की है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने खरीदारी की है। 9.18% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास है, 2.5% की होल्डिंग खरीदी है गेल ने। इंडियन ऑयल में भी देखिए इंश्योरेंस की ही खरीदारी थी, FIs म्यूचुअल फंड की बिकवाली थी। ONGC में भी इंश्योरेंस कंपनी की खरीदारी थी, FIs म्यूचुअल फंड की बिकवाली थी। तो यहाँ पर भी सेम पैटर्न फॉलो हुआ है, इंश्योरेंस कंपनी की खरीदारी है और FIs और म्यूचुअल फंड की बिकवाली, लेकिन फिर भी गेल इंडिया में बहुत बड़ी होल्डिंग FIs के पास है 15.09% की, 10.60% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 9.18% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर ओन करती है।
बाई बैक भी इनका आ रहा है, और बाई बैक का जो प्राइस है वो 150 रुपए का है, 140 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। टेक्निकल रेटिंग देखें तो अच्छी है, तेजी के संकेत है, और देखिए 52 वीक्स हाई है क्योंकि बोर्ड ने कंसीडर किया है बाई बैक का प्लान, और 150 रुपए पर शेयर का बाई बैक का प्लान यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली अप्लाई करना चाहिए। आप देखिए 80% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 12% लोग बेचने की बात करें, 8% लोग आपको होल्ड करने की नसीहत भी यहाँ पर दे रहे हैं। गेल के बारे में अगर हम देखने जाएं एक और चीज, तो डेफिनेटली रेवेन्यू के मामले में अभी भी थोड़ा पीछे है ये अपने प्री कोविड लेवल से। आप देखिए तकरीबन 13,800 करोड़ के रेवेन्यूज है जो पहले 17,000 करोड़ 18,000 करोड़ तक के हुआ करते थे। प्रॉफिट भी अगर हम देखें तो प्रॉफिट के मामले में भी ये थोड़ा सा पीछे है, 775 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि कंपनी पहले 1,000 करोड़ तक के प्रॉफिट भी कर चुकी है। तो प्रॉफिट में थोड़ा सा कम है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि दिसंबर में फिर से वहां पर भी तेजी देखने को मिले। अब सबसे बड़ा सवाल है कि तीनों में से सबसे बेहतर कौन है, तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि गेल इंडिया ऑलरेडी अपने प्री कोविड लेवल से आगे निकल चुका है। बेहतर तो गेल इंडिया ही है तीनों में से, ONGC की बात करें, IOC की बात करें, तो इन तीनों में से गेल इंडिया मुझे बेहतर लगता है। लेकिन ऑलरेडी गेल इंडिया में बहुत बड़ी रैली आ चुकी है, बाई बैक भी इनका आ रहा है 150 रुपए के आसपास, तो मुझे लगता है कि यहाँ से ये शेयर अभी 160 रुपए तक मूव कर सकता है, लेकिन उसके बाद अगेन आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो वहां पर आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, बेहतर गेल इंडिया है क्योंकि अगर हम गैस सेक्टर की बात करें तो बहुत बड़ा जो चंक है गैस सेगमेंट का वो गेल इंडिया एंजॉय करता है। तो कहीं ना कहीं गैस सेक्टर में गेल इंडिया की बोलबाला है, इसमें कोई शक नहीं है। तो गेल इंडिया इन दोनों से बेहतर है, लेकिन ONGC और IOC भी अच्छे शेयर्स हैं, तेजी अभी भी इसमें बाकी है, 20% की तेजी अभी भी आपको IOC में देखने को मिल सकती है, और 21-22% की तेजी आपको अभी भी ONGC में देखने को मिल सकती है। गेल इंडिया अभी डेफिनेटली काफी ऊपर निकल चुकी है, 140 पर पहुंच चुका है, लेकिन मुझे लगता है कि 150 रुपए पर बाई बैक के लिए आपको अप्लाई करना चाहिए। वहां से ये 155 रुपए तक जाएगा, लेकिन बाद में फिर से गिरावट हावी होगी और ये टूटकर 140 145 पर फिर से आने की संभावना भी है। और ये इसका चार्ट इंडिकेट करता है, देखिए 10 साल में हमेशा इस तीनों कंपनियों में यही चीज देखने को मिली है, तेजी के बाद गिरावट आई है। तो प्यार नहीं करना है इन तीनों ही शेयर से, बल्कि जब भी मौका मिले गिरावट में तो खरीदारी करनी है, और प्रॉफिट होने पर आपको यहाँ से एग्जिट कर लेना है। तो टारगेट्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर अगर आप पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करिए। और ONGC, इंडियन ऑयल और गेल इंडिया, ये तीनों ही शेयर्स के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।